से निकलने के बाद, पूरी एजुकेशन करने के बाद, स्किल सीखने के बाद, आगे उनके लिए क्या स्कोप है? जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, क्या वो हर किसी को जॉब मिल जाती है, क्या हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाता है? स्टूडेंट्स को पढ़ाना, स्किल सिखाना, उनकी पर्सनल ग्रूमिंग करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग क्या रोल प्ले करती है? हमारे यहाँ हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं बच्चों की स्कूलिंग पर, एजुकेशन अच्छी यूनिवर्सिटीज से हो जाए, कॉलेजेस एंड एक्सपेंसिव स्कूल्स, तो हमारी यूथ का इमोशनल इंटेलिजेंस का मसल बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हमारे पास स्किल नहीं है, हमारी तालीम सिर्फ ऐसी है जैसे हम डिग्री बेच रहे हैं। तो हमारे दौर में और आजकल के दौर में ज़मीन आसमान का फर्क है। स्किल का और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या ताल्लुक है? कहते हैं कि जो मुस्कुरा नहीं सकता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो आपको एज अ टीम काम करना होता है और इट्स टीम दैट विंस और लूज। सब बच्चे अगर जॉब्स में चले जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का क्या स्कोप? जी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं। सिर्फ जॉब मार्केट ही नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड दे नीड टू एक्सप्लोर देम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम साइमा आसिफ है। नेक्स्ट स्किल पॉडकास्ट स्टूडियो से आप सबको वेलकम। आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ एक नए सीईओ को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जिस पर्सनालिटी को आपके पास लेके आई हूँ वो यंग है, बहुत यंग है, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में और टेक्नोलॉजीज में। चले आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हामिद, अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाएं और हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या क्या कर रहे हैं, आपकी कंपनी क्या क्या कर रही है और आप बजाते खुद किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। जी ज़रूर, तो जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम मोहम्मद हामिद सईद है और मैं एक आम सा इंसान हूँ, बड़ा सिंपल सा हम्बल सा इंट्रोडक्शन है। जी, तो शाहरुख टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं एक आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ, जिसको रन करते हुए हमें 6 साल हो चुके हैं अभी, और एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम 3.5 साल मुकम्मल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह शाहरुख टेक्नोलॉजीज की अम्ब्रेला के अंडर हम इस वक्त 15 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं। हमारे इन स्टार्टअप्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का बहुत अहम अमल दखल है और इसी तनाजुर में हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारी अपनी टीम हायर एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दे। हमारे तमाम टीम मेंबर्स माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड हैं और इसी जमन में मैं खुद भी अभी रिसेंटली पीएचडी स्कॉलर के तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हूँ और मैनेजमेंट साइंसेज में अपनी पीएचडी की डिग्री मुकम्मल कर रहा हूँ। माशाल्लाह। हामिद, आगाज करते हैं सवालात का। आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह अभी हम नेक्स्ट स्किल के ऑफिस में बैठे हैं, आईटी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारी एड एजुकेशन है, आप मुझे ये बताएं कि स्किल का और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या ताल्लुक है? जी, स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत गहरा ताल्लुक है आपस में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आपको मल्टीपल हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको अगर एज एन एंटरप्रेन्योर एक्सेल करना है तो सॉफ्ट स्किल्स इज लाइक 70%। कहते हैं कि जो मुस्कुरा नहीं सकता उसको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपको मुस्कुराना आना चाहिए, सबसे पहले आपको बात करनी आनी चाहिए, आपकी पर्सुएशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी ऑन टॉप, और इसके बाद आपको किसी ना किसी हार्ड स्किल पे भी महारत तामा हासिल होनी चाहिए। अब ये हार्ड स्किल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हो सकती है, ये कोई टेक्नोलॉजी टूल भी हो सकता है, ये कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की एक्सपर्टीज भी हो सकती है, ये कम्युनिकेशन भी हो सकती है। अगर आप लोग मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं तो ये हार्ड स्किल आपकी पॉडकास्ट और ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो यू नीड टू हैव बोथ। इट्स लाइक 70-30 के 70% इट्स अबाउट सॉफ्ट स्किल्स और 30% इट्स अबाउट हार्ड स्किल्स, सो यू नीड टू बी इक्विप्ड विद बोथ। ठीक है हामिद, एक थोड़ा सा इससे हटके सवाल है मेरा, लेकिन ये बहुत दिन से मेरे जहन में था और मैंने सोचा था कि मैं किसी कैपेबल बंदे से ये ज़रूर पूछूंगी। वैसे तो सब कैपेबल ही आते हैं मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा रेलिवेंट लग रहा है आपसे, क्योंकि आप यंग हैं और आप आईटी में हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी मैंने देखे हैं लोग जो आईटी से में बहुत एक्सेल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि जो फेलियर्स हैं खुदा ना खास्ता, बहुत एक्सेल कर रहे हैं वो लोग, लेकिन इसके बावजूद दे आर इंट्रोवर्ट्स। और इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, लेकिन
मुझे ये लगता है कि एक बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं सोशलाइज करना पड़ता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएं, दोनों चीज़ों के बारे में बताएं कि आईटी के लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, जो लैपटॉप से हटते ही नहीं हैं, उनके बारे में आप क्या उनको एडवाइस करेंगे या सजेस्ट करेंगे, व्हाट एवर यू से। जी बिल्कुल, ऐसा है कि आपको एज अ टीम काम करना होता है और इट्स टीम दैट विंस और लूज। तो अगर आप खुद से ये स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो कोशिश करें कि ये डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन, इसको आप अपने पास ही रखें और अपनी टीम में हार्ड स्किल्स के लिए मल्टीपल लोगों को आप ऐड करते जाएं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्लेस्ड विद हार्ड स्किल्स और आपकी वो इंजीनियरिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग स्किल्स या दूसरी किसी भी तरह की हार्ड स्किल बहुत ज़बरदस्त है और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं उसमें, तो फिर शायद आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे, और वो इस तरह से कि आप अपनी टीम में किसी ऐसे शख्स को ऐड कर लें जिसकी ये स्किल्स अच्छी हैं, और फिर ये चीज़ आप उसके साथ एज अ कम्प्लीमेंट आप एक टीम बन जाएंगे और आप दोनों मिलके ये गोल अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा हामिद, मैं आपसे एक सजेशन चाहती हूँ, बल्कि इसमें आप बड़ी हमारी हेल्प कर सकते हैं। आप ये बताएंगे जैसे नेक्स्ट स्किल, हम लोग एक आईटी ट्रेनिंग कंपनी है, हम लोग एड टेक में है, इसी तरह आपका भी टेक्नोलॉजीज का जो एक सीन है पूरा, वो इस हिसाब से है कि हम लोग देखे ट्रेनिंग्स में बच्चों को बहुत स्किलफुल कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जब हमारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलें, तो मोस्टली ऐसे होता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे, हमारे इंटर्नीज ही, हमें उनकी कोशिश ये होती है कि या तो वो नेक्स्ट स्किल में जॉब के लिए अप्लाई कर दें, या फिर और बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, इवन आपकी कंपनी शाहरुख कंपनी, शाहरुख टेक्नोलॉजीज, इसके अलावा नेटसोल हैं और बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो उनकी कोशिश होती है कि हम लोग जॉब हंटिंग में लग जाएं। तो मुझे ये बताएं कि ये क्या आपको ये बात ठीक लगती है कि सब बच्चे अगर जॉब्स में चले जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का क्या स्कोप? जी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और ये एक इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं। काफ़ी सारे बच्चे हमें जॉब मार्केट में भी चाहिए, जॉब मार्केट में इस वक्त अच्छा रिसोर्स ढूंढना एक मुश्किल अमर है, और शाहरुख टेक्नोलॉजीज समेत जितनी आईटी कंपनीज हैं उनके एचआर्स दिन रात सरगर्म रहते हैं अच्छे से अच्छे टैलेंट को ढूंढने में। तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मोर टैलेंटेड रिसोर्सेज इन योर टीम, क्योंकि वो आपको बूम करने में हेल्प आउट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो रिसोर्सेज हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको ये सोचने की जरूरत है कि सिर्फ जॉब मार्केट ही नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं एंड दे नीड टू एक्सप्लोर देम। हमारे पास फ्रीलांसिंग कम्युनिटी अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग की मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और वो बच्चे डायरेक्टली इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए उनको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, स्किल्स ज्यादा से ज्यादा सीखनी पड़ेंगी और रेगुलेटरी अथॉरिटी खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि जॉब में ये चीज बहुत इजी होती है कि देयर इज अ बॉस हु इज देयर टू गाइड यू, हु इज देयर टू पुश यू, हु इज देयर टू गेट बेस्ट आउट ऑफ यू। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये चीज नहीं होगी, तो आपको खुद को सेल्फ गवर्न करना पड़ेगा। अदर देन दैट, आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आप सॉफ्टवेयर एज प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर एज सर्विस पे काम कर सकते हैं, सैस मॉडल दुनिया में बहुत कामयाब है। तो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, हमारे इंटर्न्स हैं, हमारे ट्रेनीज हैं, उनको इस चीज को भी एक्सप्लोर करने की काफी जरूरत है। और ओवरऑल ये एक बड़ा अच्छा सा गुलदस्ता बन जाता है कि कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, वो जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, कुछ लोग जॉब सीकर्स बनेंगे, और कुछ लोग दरमियान में फ्रीलांस करना चाहेंगे। तो जब तक ये बैलेंस बरकरार रहेगा सब कुछ ठीक रहेगा। मसला तब आता है जब ये बैलेंस आउट होता है। अगर सब लोग एंटरप्रेन्योर बनना शुरू कर देंगे तो फिर जॉब कौन करेगा? अगर सब लोग जॉब हंटर्स बन जाएंगे तो फिर जॉब्स प्रोवाइड कौन करेगा? और अगर हर कोई फ्रीलांसिंग करने चल पड़ा तो फिर ये इतने बड़े बड़े आईटी टावर्स और ऑफिसेस का क्या बनेगा? सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस हियर। अच्छा हामिद, मैंने आपसे ये बात करनी थी कि आजकल बहुत इस चीज पे काम हो रहा है कि उर्दू जुबान को फरोग दें, उर्दू पे काम करें और उर्दू को प्रमोट करें, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको बहुत एंडोर्स भी करती हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इट डजंट वर्क फॉर आईटी पीपल, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सी आपकी आपकी राय चाहिए कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई ही ऐसा है कि आईटी के लोगों के लिए सिर्फ अंग्रेजी जबान है
क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी डील करना होता है, या फिर वाकई ही उर्दू को प्रमोट करना चाहिए? जी, आपका बड़ा रेलिवेंट सवाल है और लैंग्वेज का बहुत गहरा ताल्लुक है स्किल्स और लर्निंग के साथ, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब सीखते हैं तो आप उसको अपने जहन में किसी लैंग्वेज में ही इंटरप्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ एक डिलेमा बाहर जरूर रहा है कि हम सोचते उर्दू में हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर बोलना शायद हमें अंग्रेजी या किसी और जुबान में पड़ता है। तो इसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव्स पहले भी लिए जा चुके हैं, अपनी कौमी जुबान को फ़रोग देने के लिए भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए जा चुके हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। जी एग्जैक्टली। और इसके अलावा दूसरी जुबान सीखने में भी कोई कबाहत नहीं है, सेकंड लैंग्वेज आनी चाहिए है, बल्कि जहानत का मयार होता है कि एक इंसान को जितनी जुबानें आए उतना सही तसव्वुर किया जाता है। आईक्यू मेजरमेंट में इस चीज़ का बहुत अहम किरदार है कि अगर एक शख्स मल्टीपल जुबानें बोल सकता है, सीख सकता है, तो उसका आईक्यू बड़ा हाई होता है। तो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे डिग्री के दौरान एक सेकंड लैंग्वेज ज़रूर सिखाई जाती है, जो कि या तो पर्शियन हो सकती है, या फ्रेंच हो सकती है, जर्मन हो सकती है, अरेबिक हो सकती है। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से कोई ना कोई एक लैंग्वेज पिक करती हैं और सिखाती हैं। अभी रिसेंटली चाइनीज का एक ट्रेंड है, चाइनीज सिखाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो हम इनक्रेज करते हैं बच्चों को कि आप अपनी कौमी जुबान पर भी अबूर हासिल करें और उसके अलावा किसी सेकंड लैंग्वेज को भी ज़रूर सीखें, इसमें कोई आर की बात नहीं है, क्योंकि वो जो सेकंड लैंग्वेज है अगर वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो वो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर बना देगी। एट द एंड ऑफ डे जो गोल है वो कम्युनिकेशन है। अगर आप साइन लैंग्वेज में भी अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मेरी भला से आप एक भी लैंग्वेज ना सीखें। अब इशारों से बात करें, हमें तो बात समझ आनी चाहिए, हमें बात समझ आनी चाहिए। सो द फोकस इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग योर पॉइंट, कम्युनिकेटिंग योर नैरेटिव। अगर आप ये करने में कामयाब हैं तो वो चाहे उर्दू जुबान है, चाहे हिंदी जुबान है, चाहे फारसी है, चाहे चाइनीज है, डजंट मैटर। और अगर आप अपनी कौमी जुबान में ही समझाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप अपने फॉरेन क्लाइंट को उर्दू में भी अच्छे से समझा सकते हैं, सो प्लीज गो अहेड। हाँ, जिस मर्जी जुबान में बोले लेकिन तहजीब के दायरे में। एग्जैक्टली। अच्छा हामिद, आपसे एक आखिरी सवाल। आजकल जो भी इंसान नसीहत करता है उसको पसंद नहीं किया जाता, लेकिन मैंने ये एक सोचा हुआ कि अपनी पॉडकास्ट में अपने मेहमानों से मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप कोई एडवाइस, कोई सजेशन, लेकिन ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए, अगर आप कुछ भी अच्छा कहना चाहते हैं तो ये फोरम आपके लिए, प्लीज़ गो अहेड। जी, इसमें हज़रत अली करमुल्लाह वज्हू का एक बड़ा मशहूर ज़माना कॉल है कि आप फरमाते हैं कि नसीहत को लेके कि बेवकूफ़ नसीहत पर अमल नहीं करता और अकलमंद को उसकी ज़रूरत नहीं होती। वाह सुभानअल्लाह, बड़े लोगों की बड़ी बातें। बड़ी बातें। तो बहरहाल माई टू सेंट्स कि मैंने इस 7-8 साल के जर्नी में जो चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे बड़े अच्छे से याद है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था जहां मुझे एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया। तो अपने अल्मा मैटर में एज चीफ गेस्ट जाना अपने आप में बड़े ऑनर की बात होती है। तो मैंने वहां भी एक ही मशवरा दिया था तमाम स्टूडेंट्स को कि एक एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में दो चीज़ें होनी चाहिए, कि उसको काम होना चाहिए है और उसको फोकस्ड होना चाहिए है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचें, फोकस्ड रहें, बड़ी चीज़ों पर फोकस्ड रहें, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करते रहेंगे और छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे तो आप अपना बिगर गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। और हामिद, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। और आप लोगों के लिए यही पैगाम है कि जिस तरह हामिद ने कहा, अपने गोल्स बड़े रखें, बड़ा सोचें, छोटी छोटी बातों को छोड़ें, अपनी भी जिंदगी आसान बनाएं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी आगे बढ़ो पाकिस्तान की एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।